चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से सुबह करीब 9 बजे ट्रेन से जयपुर पहुंचेंगे चारों नागरिकों के पार्थिव शरीर। पूजा एक्सप्रेस से लाए जा रहे हैं चारों तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में मौत हो गई। जिला प्रशासन की ओर से शवों को जयपुर लाने की व्यवस्था करवाई। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी मनोज लाइव जुड़े हैं। मनोज, जानकारी दीजिएगा, अब किस तरह की फिलहाल आप तैयारी देख पा रहे हैं, कब तक पार्थिव देह पहुंच पाएंगी? बिल्कुल सीखा, बताना चाहूंगा। इस समय मैं शहर के पांचावली ढाणी स्थित घर पर इनके मौजूद हूँ, मृतक के घर पर, और यहाँ परिजनों को घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। और फिलहाल जो पार्थिव शरीर है वो ट्रेन से अभी करीब 9:30 बजे यहाँ जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद में एम्बुलेंस के द्वारा पार्थिव शरीर है चारों सौ चोमू लाए जाएंगे, उसके बाद में ही अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ी बात बता दूँ, परिजनों की मांग है और गुस्से में परिजन है, वो आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, और इसी को लेकर परिजन इनसे मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। घटना है, दुखद है, बड़ी खबर है, गुस्सा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, जो राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार का जो मुआवजा हो, हमारे को अत्यधिक मुआवजा दिया जाए। जो मृतक के तीन बच्चे हैं, उनके आय का कोई स्रोत नहीं है, उनकी आजीविका चलाना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तीनों बच्चों को हम सरकार से यही मांग करेंगे, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। उनके माँ बाप मृतक हैं, उनको 1-1 करोड़ की राजस्थान सरकार से मुआवजा दिलाया जाए, ताकि उन बच्चों के ऊपर इतना भार न पड़े। और हमारे हम सरकार से ये न कोई उपद्रव करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सरकार से मांग रखेंगे। मांग सरकार यदि हमारी मांगती है तो हमारे को कोई दर्द नहीं, हम अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो मैं हम रोड जाम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार को अवगत कराने के बाद में कदम उठाया जाएगा। इससे पहले हम मौन धारण शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग सरकार से रखेंगे। हमारी जो जायज मांग है उसमें सरकार को देने की क्या कौन सी आनाकानी हो रही है? पिछले कई घटनाएं हुई हैं, जयपुर में भी हुई है, इधर जोधपुर में भी है, उन्हीं को भी तो सरकार ने मुआवजा दिया है और अति शीघ्र दिया है, और हम भी मुआवजा मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार मुआवजा देने में इतनी क्या सोच लग रही है? तो हमारा सबसे बड़ी यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चोमू थाने पे 9 बजे से धरना देंगे और सरकार से मांग रखेंगे, और हमारी मांग जायज मांग है, इसमें हम कोई हमारी तरफ से कोई मांग नहीं कर रहे। बिल्कुल सिका, परिजनों का गुस्सा है वो बरकरार है, लेकिन कहना यह भी है कि शांति प्रिय धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर जो वाजिब मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो जरूर आक्रोश होगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। करीब 9 बजे पुलिस थाने चौमू के बाहर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है वो जुटना शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर ये सब लोग धरना देंगे। जी मनोज, ऐसे में धरने देने की बात, क्योंकि हमने भी सुना आपने जब बात की परिजनों से, हालांकि उनका दुख दर्द एक तरफ है, लेकिन मनोज अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी, क्या पहले प्रदर्शन की तैयारी है या फिर अंतिम संस्कार, अंतिम सफर पर पहले पार्थिव देह को रखा जाएगा? बिल्कुल सिखा, पार्थिव देह जयपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन द्वारा पहुंचेंगे, उसके बाद में एम्बुलेंस से चोमू लाया जाएगा, फिर थाने के बाहर है वो शव रखकर प्रदर्शन करने की फिलहाल जो परिजनों की है वो सूचना है। अगर जो वाजिब मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो परिजनों का गुस्सा है वो बरकरार रहेगा और धरना दिया जाएगा। जब तक जो मांगे हैं सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जब तक ये नहीं दिया जाएगा तब तक शव रखकर प्रदर्शन जारी रहेगा और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये चेतावनी परिजनों ने दी है। जी मनोज, क्या परिजनों की ओर से ये अवगत करवा दिया गया है जिला प्रशासन के किसी नुमाइंदे की साथ, इनकी वार्तालाप अब तक हुई है क्या? बिल्कुल, परिजनों का आक्रोश है वो व्याप्त है, सिर्फ उपखंड स्तर के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो जरूर मौके पर पहुंचे हैं, जिला प्रशासन से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर इनका गुस्सा है। फिर अपन दोबारा बातचीत कर लेते हैं, और भी परिजन हैं मौके पर, इनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार। जिला कलेक्टर से आपकी कोई बातचीत हो पाई इस घटना? कलेक्टर से अभी पहुंचे नहीं, कल भी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। क्या आश्वासन दिया जा रहा है सरकार द्वारा? आश्वासन अभी कुछ नहीं दे रही है।
बिल्कुल सिका, और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं एक बार, जो मृतक के बड़े भाई हैं राजेंद्र, कल भी हमने इनसे बातचीत की थी, आज बातचीत कर लेते हैं दोबारा एक बार। सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया आपको अभी तक आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर? अभी तक कोई मैसेज नहीं है सर हमारा। क्या है आपकी मांग, क्या है? हमारी मांग है तीनों बच्चों को तो नौकरी और प्रत्येक मृतक को 1-1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। जिला कलेक्टर की तरफ से कोई मैसेज आया? कोई मैसेज नहीं है अभी तक। बिल्कुल सिखा, ये मृतक के बड़े भाई थे ओम प्रकाश सैनी, इन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, वहीं सरकार से जो परिजन है वो आर्थिक मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, इनका गुस्सा बरकरार है और अभी थाना मोड़ चौराहे पे पहुंच के जो ग्रामीण है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे वहाँ। जी ठीक है मनोज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।